हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ओवीजीएम विश्व ज्ञान मंत्रा। मैं थोड़े सारे का विश्व ज्ञान मंत्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से स्वागत करती हाँ। जिमें तुम सारे जानते हो जी, आप मास्टर कैडर मैथ ना रिलेटेड एक ओपन एम फ्री कोर्स स्टार्ट किया है, जिस दे अंदर हूँ तक आप चार सेशन डिस्कस कर चुके हैं। पहला आप टॉपिक रहा है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेट, मैट्रिसिज एंड डिटरमिनेट अपना टॉपिक चल रहा है, ठीक है जी। मैं तुम्हें पहले ही दस्या से आप बिल्कुल बेसिक्स तो स्टार्ट करांगे, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ा जिन्हें बारे तो शायद नॉलेज भी, पर वह भी आप इतने डिस्कस करांगे ताकि अपने एग्जाम के अंदर कोई भी चीज़ ये नॉलेज जी तुम्हें एवं लगे कि हाँ जी आसी स्किप करती, ठीक है जी। तो इस टॉपिक के अंदर हम तक आप मैट्रिक्स बारे देखा से, फिर उसकी टाइप्स उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़िया से, फिर आप डिटरमिनेंट स्टार्ट किया लास्ट सेशन के अंदर। उस तो पहले तुम्हें दस दें जो न्यू स्टूडेंट है अपना जो चैनल यूट्यूब से विश्व ज्ञान मंत्रा के नाम ना तो पता ही होगा। इसके अलावा विश्व ज्ञान मंत्रा जो है जी फेसबुक से इंस्टाग्राम से भी तुम्हें देखने मिल जाएगा, नाल दी नाल ही विश्व ज्ञान मंत्रा जो है टेलीग्राम चैनल से भी विश्व ज्ञान मंत्रा चैनल जो देखने मिल जाएगा। उसके उत्ते जाके टेलीग्राम के चैनल में ज्वाइन कर लेना है, तो उसके अंदर तुम्हें स्टडी मटीरियल जो है काफ़ी सारा मिल जाएगा। इस तो अलावा थोड़ी कोई भी क्वेरी हो तो 9111500017 से कॉल करके जी आपकी क्वेरी क्लीयर कर सकते हो। जो स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल सबसक्राइब नहीं किया चैनल सबसक्राइब कर दें, बैल आइकन दबा दें ताकि उन्होंने आने वाली वीडियो का जो लिंक है जल्दी जल्दी मिल सके। हाँ जी, हूँ वे आप अपने इस सेशन वाल देखो जी। लास्ट सेशन के अंदर आप कर रहे डिटरमिनेंट, कल आप कोई सेशन किसी इशू कारण नहीं ले सके टैक्निकल इशू कारण, तो आप डिटरमिनेंट बारे देखा से पहला तो 2x2 के मैट्रिक्स के अंदर डिटरमिनेंट करना सिखाया से कि आप डिटरमिनेंट किए करते हैं। आ सिंबल डिटरमिनेंट होता है, पहला 2x2 का देखा से, फिर आप जरा डिटरमिनेंट देखा से जी आप 3x3 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट करना भी सीखा से, ठीक है जी। 3x3 के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट किए करते हैं वह भी आप कल जरा पिछले सेशन के अंदर देख लिया से। इस अंदर मैं तुम्हें दो तरीके दसे से, एक सारस रूल दसे से, एक नॉर्मल मैथड जिस आप डिटरमिनेंट पता करते हैं वो दसिया से। इस तो अलावा आप कुछ प्रॉपर्टीज़ भी पढ़िया से डिटरमिनेंट दी, ठीक है जी। तो उस चीज़ में आप हम अगे लेके चलते हैं, डिटरमिनेंट होर प्रॉपर्टीज़ जो ने आप डिस्कस करते हैं। पर उस तो पहला हाँ जी, अपना एक टॉपिक रह गया से टाइप ऑफ मैट्रिक्स के अंदर। कल किस दीप्ति सैनी ने मैसेज दिया से कमेंट सैक्शन से, कमेंट किया कि मैम एक टॉपिक रह गया वो दस दो, बाकी सारे भी जरूर कमेंट करया करो। जेड़ा भी तुम्हें कोई बाय चांस कई बार कोई बाय मिसटेक टॉपिक रह जाता है, कितने कोई गड़बड़ हो जाती है, तो कमेंट सैक्शन से कमेंट जरूर करया करो, उसका सोल्यूशन तुम्हें जरूर दिता जाएगा। तो पहला मैं वो तुम्हें दो टाइप्स दस दिनी हाँ, फिर आप अगे का सैशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। अपने को दो तरह के मैट्रिक्स होंगे है जो अपने रह गए से, हरमीशियन हरमीशियन मैट्रिक्स से स्क्यू हरमीशियन मैट्रिक्स। इन्हों बारे अपना जो डिस्कशन रह गई सी पिछले सैशन के अंदर बाय मिसटेक, हूँ आप इन्होंने बारे पढ़ते हैं जी हरमीशियन से स्क्यू हरमीशियन मैट्रिक्स बारे, हरमीशियन एंड स्क्यू हरमीशियन मैट्रिक्स। हाँ जी, हरमीशियन मैट्रिक्स इन्होंने बारे पढ़ने तो पहला तुम्हें एक चीज़ बारे पता होना चाहिए, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। आप कॉन्जुगेट पेयर तो पढ़े से, हम देख रहे हैं कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स की होंगे, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स कॉन्जुगेट की होंगे, किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट किसू कहते हैं, वट डू यू मीन बाय कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स दिता हुआ है तो उसका कॉन्जुगेट की होएगा, पहला आप डिस्कस करते हैं, फिर आप हरमीशियन मैट्रिक्स के बारे जो है जी पढ़ा। हाँ जी, तो कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स की होंगे जेडे अपने को, फॉर एग्जाम्पल अपने को एक मैट्रिक्स है ए, जिस के अंदर अपने को इमेजनरी नंबर ने कुछ, फॉर एग्जाम्पल अपने को मैट्रिक्स है ए, 1+i, 2, 4-i, 5, 6+i, 7+i, ठीक है, 3-i, 5+i, 9। इस तरह का कोई मैट्रिक्स है तो उसका कॉन्जुगेट की होएगा, वट डू यू मीन बाय कॉन्जुगेट ऑफ दैट मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के कॉन्जुगेट तो तुम की पावर रखते हो, की मतलब होएगा। तो देखो जी, इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट की होएगा अपने को, जेड़ा अपने को इमेजनरी नंबर है, रियल नू कुछ नहीं करना, जेड़े अपने को इमेजनरी नंबर ने ना उन्हें नंबरस दे जेड़ा है साइन चेंज कर देना है, तो वह अपने कॉन्जुगेट आ जाएगा, ठीक है जी। जेड़े अपने को इमेजनरी नंबर ने उन्हों का आप की करना जी साइन चेंज कर देना है, तो वह अपने को आ जाऊगा जी कॉन्जुगेट आ जाऊगा। तो इसमें डिनोट करते हैं ए बार नाल, हुण आपां इसदी साइन चेंज करते हैं। देखो ए बार नाल डिनोट किया जाता है, आयोटा की इमेजनरी नंबर है, इसका साइन कर चेंज होकर माइनस आ गया 2, 4+i, 5, 6-i,
सेवन माइनस आयोटा, थ्री प्लस आयोटा, फाइव माइनस आयोटा एंड नाइन, ये साढ़े को ने जी, ये अपने को मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट आ गया। ठीक है जी, आ अपने को आ गया जी, ए मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट आ गया। कॉन्जुगेट के अंदर की करना है, अपने को जो इमेजनरी नंबर ने, इमेजनरी नंबरस जोड़े ने, जो इमेजनरी नंबरस ने उन्होंने साइन चेंज कर देना। इमेजनरी नंबर का की करना है जी, साइन चेंज करना है। ट्रांसपोज के अंदर की करते सी, आप रो न कोलम बनाते सी, कॉन्जुगेट के अंदर की करते हैं इमेजनरी नंबर का साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है जी, तो उसनों की कहें आप कॉन्जुगेट कहते हूँ। देखो अपने को हो गया कॉन्जुगेट, इसमें आप ए बार ना डिनोट करते हैं। एक होंगे ट्रांजुगेट, की होंगे जी ट्रांजुगेट होंगे, जिसमें ट्रांजुगेट कहते हैं, वह क्यों होंगे कि कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कर दो तो क्या आएगा जी, ट्रांजुगेट आएगा। कॉन्जुगेट का जो आप ट्रांसपोज कर देंगे हाँ, तो अपने को आता जी ट्रांजुगेट। ठीक है, हूँ देखो इस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज करता, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो की बनेगा जी, वन माइनस आयोटा टू, फोर प्लस आयोटा, ठीक है जी, फाइव सिक्स माइनस आयोटा, सेवन माइनस आयोटा, थ्री प्लस आयोटा, फाइव माइनस आयोटा नाइन। ठीक है जी, तो आ अपने को आ गया जी, आ गया अपने को ट्रांजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, की आ गया जी ट्रांजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, तो इसमें इस साइन डिनोट करते हैं आप, इस तरह इन डिनोट किया जाता है। ठीक है जी, ट्रांजुगेट ऑफ मैट्रिक्स, इसमें इस तरीके नाल डिनोट करते हैं, किसनों ट्रांजुगेट ऑफ मैट्रिक्स नू। जो की किया जी, कॉन्जुगेट करके किसी भी मैट्रिक्स का अपन कॉन्जुगेट करके जो उसका ट्रांसपोज कर दें हाँ, तो वह अपने को बन जाता है ट्रांजुगेट, ट्रांजुगेट ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है जी, की बन जाता है ट्रांजुगेट बन जाता है उस मैट्रिक्स का, वो अपने को ट्रांजुगेट आ जाता है। आ चीज़ इन्नी समझ आ गई होगी तुहानू, कॉन्जुगेट बारे पता लग गया होगा, ट्रांजुगेट बारे भी पता लग गया होगा। हुण आपां गल करदे हां हरमीशियन मैट्रिक्स की, कि हरमीशियन मैट्रिक्स की हुंदा है। देखो जी, हरमीशियन मैट्रिक्स की हुंदा है, हरमीशियन मैट्रिक्स हरमीशियन मैट्रिक्स जो किसी मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट, जो किसी मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट उस मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, जो किसी मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट उस मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं हरमीशियन मैट्रिक्स कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है जी, हरमीशियन मैट्रिक्स कहते हैं। जिमें समिट्रिक के अंदर की सी, देखो समिट्रिक के अंदर की सी, समिट्रिक के अंदर की सी जी, ट्रांसपोज सेम आ जाए तो वह समिट्रिक बनता से, उस तरह जो इसका ट्रांजुगेट सेम आ जाए, किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांजुगेट सेम आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं जी हरमीशियन मैट्रिक्स कहते हैं। की कहा जाता है हरमीशियन मैट्रिक्स कहा जाता है। आप एक एग्जाम्पल समझ लें, इन फॉर एग्जाम्पल अपने को एक मैट्रिक्स है फोर सैवन माइनस थ्री आयोटा, थ्री प्लस फोर आयोटा, सैवन प्लस थ्री आयोटा, फाइव टू माइनस आयोटा, थ्री माइनस फोर आयोटा, इस तरह एक अपने कोई मैट्रिक्स है टू प्लस आयोटा ते सिक्स, आ मैट्रिक्स है। तो हुण अपने को मैट्रिक्स आ गया अपने को ए, जे इसका ट्रांजुगेट, जे इसका ट्रांजुगेट सेम आ गया तो आ अपने को होगा जी हरमीशियन मैट्रिक्स हो जाएगा। की हो जाएगा जी, हरमीशियन मैट्रिक्स हो जाएगा कदों, जदों इसका ट्रांजुगेट सेम आ जूगा। की सेम आ जूगा जी, ट्रांजुगेट कहने का मतलब कि कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज सेम आ गया तो वह की हो जाएगा जी अपने को हरमीशियन मैट्रिक्स हो जाएगा। हुण देखो आप इसका कॉन्जुगेट करते हैं फिर ट्रांसपोज करेंगे। कॉन्जुगेट किया सैवन प्लस थ्री आयोटा, थ्री माइनस फोर आयोटा, सैवन माइनस थ्री आयोटा, फाइव टू प्लस आयोटा, थ्री प्लस फोर आयोटा। की करना सिर्फ इमेजनरी के साइन चेंज करने हैं, तुम्हें ध्यान रखना है होर कोई साइन चेंज नहीं करना, इमेजनरी का साइन चेंज करना है, इमेजनरी नंबर का। ठीक है जी, इमेजनरी का चेंज करना है। हुण इहदा की करना ट्रांसपोज, हुण इहदा ट्रांसपोज करांगे तो अपने को बनेगा फोर सैवन प्लस थ्री आयोटा, थ्री माइनस फोर आयोटा, क्योंकि पता ना आप रो नू कोलम्स के अंदर चेंज कर दें, सैवन माइनस थ्री आयोटा फोर, सॉरी फाइव टू प्लस आयोटा, आ बनेगा जी थ्री प्लस फोर आयोटा, टू माइनस आयोटा एंड सिक्स। देखो दोनों मैट्रिक्स बिल्कुल सेम ने, दोनों सेम ने, अपने को मैट्रिक्स ए, ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का जो अपने को
ट्रांजुगेट आए, दोनों सेम आ गए, ठीक है जी, दोनों सेम आ गए, तो अपने कोल की होएगा जी ओ मैट्रिक्स, हरमिशियन मैट्रिक्स होएगा, ठीक है जी, ओ मैट्रिक्स की होएगा जी हरमिशियन मैट्रिक्स होएगा, ओ सुनो पक्की कहेंगे हरमिशियन मैट्रिक्स कहेंगे। डेफिनेशन के अंदर अगर आप एलिमेंट की डेफिनेशन के हिसाब से इसमें लिख दें तो की कहेंगे कि ए आई जे इक्वल होवे कॉन्जुगेट ऑफ ए जे आई दे, ए आई जे इक्वल होवे कॉन्जुगेट ऑफ ए जे आई दे, तो वह कौन मैट्रिक्स होएगा, वह हरमिशियन मैट्रिक्स होएगा। आ चीज़ याद रखियो, ए आई जे बराबर होवे कॉन्जुगेट ऑफ ए जे आई दे तो वह हरमिशियन मैट्रिक्स होएगा। तो समेट्रिक के अंदर की सी जी, समेट्रिक के अंदर सी कि ए आई जे बराबर होना चाहिए ए जे आई दे। समेट्रिक तो हरमिशियन के अंदर की फर्क है कि इस दे अंदर आपां कॉन्जुगेट होर ला दें, कॉन्जुगेट होर एड हो जाता है तो वह की बन जाएगा जी हरमिशियन मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है जी। हुण गल करते हैं स्क्यू हरमिशियन की, उम्मीद करते हैं तुहानूं टॉपिक समझ आ गया होगा, ना समझ आया तो कमेंट करके दस दिओ, दोबारा तुहानूं समझा दिता जाएगा। मेरी वॉइस क्लीयर आ रही है, मैसेज कर दसो कि आवाज़ के अंदर आवाज़ बिल्कुल क्लीयर है, थोड़ा बहुत चेंज मे बी हो सकता है। हाँ जी, नैक्सट है जी स्क्यू हरमिशियन मैट्रिक्स की होंगे। देखो हुणे हुणे हरमिशियन पढ़ के आया ना, ओही तरह का स्क्यू हरमिशियन है। स्क्यू हरमिशियन मैट्रिक्स की कहता है कि जे ए दा ट्रांजुगेट, ट्रांजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स इक्वल आ जाए माइनस ऑफ ए दे, ट्रांजुगेट माइनस ऑफ ए दे बराबर आ जाए तो उसनों की कहते हैं स्क्यू हरमिशियन मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है जी। ये मैं एग्जाम्पल लेके समझाने की जरूरत नहीं है जितों तक मैं पता है, ठीक है। तो उसनों की कहते आप स्क्यू हरमिशियन मैट्रिक्स कहते हैं जदों की है इसका ट्रांजुगेट जोड़ा है वह माइनस टाइम ऑफ दिस आ जाए। स्क्यू हरमिशियन मैट्रिक्स बारे एक गल होर याद रखियो, जो अपने को हरमिशियन मैट्रिक्स होंगे, जो हरमिशियन मैट्रिक्स होंगे ना उसके डायगनल एलीमेंट, उसके डायगनल एलीमेंट रीयल होंगे ने, कि होंगे ने ओनली रीयल होंगे ने, ठीक है जी। डायगनल एलीमेंट की होंगे ने हरमिशियन के रीयल होंगे ने, तो जो अपने को स्क्यू हरमिशियन है इस दे डायगनल एलीमेंट की होंगे ने अपने को जीरो या फिर इमेजनरी होंगे ने, या जीरो होंगे ने या इमेजनरी होंगे ने। हरमिशियन के डायगनल एलीमेंट रीयल होंगे ने, तो स्क्यू हरमिशियन के डायगनल एलीमेंट जो अपने को जीरो या इमेजनरी होंगे ने। आ चीज़ तुम्हें याद रखनी है माइंड से, ठीक है जी, कि जो अपने को हरमिशियन मैट्रिक्स है उसके डायगनल एलीमेंट रीयल होंगे ने। जो बाय मिसटेक मायोटा लिखता हो तो चेंज कर लियो। तो देखो तो स्क्यू हरमिशियन का डायगनल की होगा या तो जीरो होएगा या इमेजनरी होएगा। तो स्क्यू हरमिशियन के अंदर की होएगा ए कॉन्जुगेट, ट्रांजुगेट जोड़ा है वह माइनस ऑफ ए दे बराबर होएगा, कहने का मतलब आई जे बराबर होएगा माइनस टाइम ए जे आई दे कॉन्जुगेट दे, माइनस ऑफ टाइम ए जे आई का कॉन्जुगेट, ठीक है जी। किस के बराबर होगा माइनस टाइम ए जे आई का कॉन्जुगेट। उम्मीद करते हैं हरमिशियन तो स्क्यू हरमिशियन समझ आ गया होगा। इस दे बाद एक मैट्रिक्स हो रहा है जी अपने को यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स केड़ा हुंदा है, यूनिटरी मैट्रिक्स किस नूं कहिंदे आ, देखो तुसीं ओर्थोगोनल पढ़िया सी ना, मैं तुहानूं ओर्थोगोनल मैट्रिक्स बारे दस्या सी। ओर्थोगोनल, ओर्थोगोनल मैट्रिक्स की सी कमेंट सैक्शन च दसो, ओर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रोपर्टी की सी, फिर तुहानूं मैं यूनिटरी मैट्रिक्स दसदी हाँ, तुसीं कमेंट सैक्शन च ओर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रोपर्टी दसो की सी। हाँ जी दसो, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की सी अपने कोल, ऑर्थोगोनल सारे स्टूडेंट्स जरा कमेंट जरूर करया करो ताकि तुहानू सानू भी पता लगे तुसी एक्टिव रहिंदे हो। हाँ जी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के अंदर की सी कि जे ए ट्रांसपोज नू ए नाल मल्टीप्लाई करते हाँ, ए नू ए ट्रांसपोज नाल मल्टीप्लाई करते हाँ तो आइडेंटिटी आंदा आई सी ना, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आंदा तो उसनू कहिंदे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सॉरी, उसनों आप की कहें जी ओरथोगनल मैट्रिक्स कहते हैं। जो मैट्रिक्स में उसे दे ट्रांसपोज नाल मल्टीप्लाई किया जाता तो अपने को आइडेंटिटी आए तो उसको ओरथोगनल कहते हैं। उसी तरह यूनिटरी मैट्रिक्स की होंगे कि जो किसी मैट्रिक्स के ट्रांजुगेट में, जो किसी मैट्रिक्स के ट्रांजुगेट में उसे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते, ठीक है जी, जो किसी मैट्रिक्स के ट्रांजुगेट में उसे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते आइडेंटिटी आए तो उसको की कहें आप, उसको कहते हैं जी आप यूनिटरी मैट्रिक्स। ट्रांसपोज की जगह ट्रांजुगेट आ जाए, ट्रांसपोज की जगह ट्रांजुगेट आ जाए तो आइडेंटिटी आए तो उसनों की कहें आप यूनिटरी मैट्रिक्स कहते हैं।
ठीक है जी, उन्होंने की कहते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स कहते हैं। तो आ सी जी अपने को स्क्यू हरमिशियन हरमिशियन तो यूनिटरी मैट्रिक्स। हूँ आप अपना टॉपिक कल वाला अगे अगेन जरा स्टार्ट करते हैं, जरा चल रहा है अपने को डिटरमीनेंट। डिटरमीनेंट करना मैं तुम्हें सिखाता सी कि किवें डिटरमीनेंट जरा आप निकलता है। हूँ आप इस दी प्रोपर्टीज़ करते हैं जी, कुछ प्रोपर्टीज़ कल डिस्कस कितिया से, एक तो की डिटरमीनेंट ऑफ ए तो डिटरमीनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज आपस से की होंगे जी बराबर होंगे। इस चीज़ में दूजे वर्ड्स से पेपर देता तो घुमाने लिए मोडेड क्वेश्चन करके मोल्ड करके क्वेश्चन पाना वे तो इस तरह पा सकते हैं। देखो किस तरह क्वेश्चन कह सकते हैं, क्वेश्चन इस तरह पाया जा सकता है इफ रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज, इफ रो एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज दैन डिटरमीनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। कह दें कि जे रो ते कॉलम्स नू इंटरचेंज कर दिता गया तो उस मैट्रिक्स का डिटरमीनेंट की होएगा। इस तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है जी, कि जे रो ते कॉलम नू चेंज कर दिता जाए इंटरचेंज कर दिता जाए तो उस मैट्रिक्स का डिटरमीनेंट की होएगा, उस मैट्रिक्स का डिटरमीनेंट की होएगा। इस तरह का क्वेश्चन जो एग्जाम से तुहाडे तो पूछा जा सकता। उसका मतलब की है, देखो रो ते कॉलम नू इंटरचेंज करना मतलब ट्रांसपोज करना, यदा मतलब तो यह बनता ना कि ट्रांसपोज किया है। तो जो भी मैट्रिक्स से उसका ट्रांसपोज दोनों बराबर होंगे, डिटरमीनेंट ऑफ किसी ए मैट्रिक्स का डिटरमीनेंट से डिटरमीनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज आपस च बराबर होंगे, ठीक है जी। दूजी गल, डिटरमीनेंट ऑफ ए इंटू बी, जी कल लिखी सी मैं दोबारा तो दस रही हूँ, डिटरमीनेंट ऑफ ए बी दो डिटरमीनेंट की मल्टीप्लाई किसके बराबर होंगे जी, डिटरमीनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमीनेंट ऑफ बी। आ भी कल प्रॉपर्टी आप देख ली सी। थर्ड प्रॉपर्टी की है, देखो मैं तुहानू दस्या सी कि डिटरमीनेंट ऑफ, नवी प्रॉपर्टी करते हैं, बाकी जो कल डिस्कस कर लिया से हो गया से, हम नवी प्रॉपर्टी देखते हैं कि है कि कोई भी मैट्रिक्स है, इफ थर्ड प्रॉपर्टी देखो, इफ इफ टू रोज की है, इफ टू रोज या फिर कॉलम, जे दो रोज और कॉलम, इफ टू रोज और कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल जे किसी मैट्रिक्स दिया दो रोज या कॉलम आइडेंटिकल हैं दैन डिटरमीनेंट इज जीरो, तो उस मैट्रिक्स का डिटरमीनेंट की होएगा जी जीरो होएगा। डिटरमीनेंट उस मैट्रिक्स का की होएगा जी जीरो होएगा, ठीक है जी। जे दो रोज या कोलम जड़िया ने आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का की मतलब कि सेम हैं, एक दूजे के सेम हैं, तो उसनों की कहते हैं उस, उसका डिटरमीनेंट की होगा जी जीरो होगा। एग्जाम्पल समझा दी हाँ तू, हाँ जी देखो आप कोई मैट्रिक्स लेने, फॉर एग्जाम्पल अपने को मैट्रिक्स है 2 3 2 1 3 3 2 3 2। हूँ देखो इस मैट्रिक्स ने अपने को दो की ने, दो रो सेम आ गया। हूँ तुम इसका डिटरमीनेंट पता करके देख लो, भावें जीरो आएगा, प्रूफ कर देने आप डिटरमीनेंट कर दें। देखो 2 × 6 − 9 − 3 − 3 इंटू कि बनेगा जी 2 − 6 किता कि आएगा जी −4 प्लस 2 × 3 − 6 3 − 6 कि बनेगा −3 आ कि बन गया जी −6 + 12 − 6 तो कि आ गया जी जीरो आ गया। तो याद रखियो जदों भी दो रोज़ या दो कोलम्स आइडेंटिकल आ जाए, कि आ जाए जी आइडेंटिकल आ जाए, तो वह मैट्रिक्स का अपने को डिटरमीनेंट की होगा जी, उस मैट्रिक्स का डिटरमीनेंट अपने को जीरो होएगा, ठीक है जी। उस मैट्रिक्स का डिटरमीनेंट की होगा जी जीरो होएगा अपने को। नैक्सट प्रोपर्टी देखो, हाँ जी नैक्सट प्रोपर्टी की है, स्विचिंग प्रोपर्टी कहने जिसनों आप स्विचिंग प्रोपर्टी। अज थोड़ी जी एनर्जी मेरे अंदर घट है, उसका भी कोई रीजन है, ठीक है जी। तो वह दूजी की है जी अपने को स्विचिंग प्रोपर्टी, स्विचिंग प्रोपर्टी की कहनी है सानू देखो, हाँ जी स्विचिंग प्रोपर्टी की कहें कि कोई भी अपने को मैट्रिक्स है या किसी कोई भी डिटरमीनेंट है, फॉर एग्जाम्पल अपने को डिटरमीनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इस तरह का अपने कोई डिटरमीनेंट है, ठीक है जी। हाँ अपने को डिटरमीनेंट है, जे आप इस दी कोई भी दो रोज, कोई भी एडजॉइंटिंग दो रोज या दो कोलम्स नूं चेंज कर दें, ठीक है जी, कोई भी दो एडजस्टेंट रोज या कोलम। प्रॉपर्टी की कह रही है, इफ पहला प्रॉपर्टी लिख लो, इफ टू एडजस्टेंट रो और
कॉलम, इफ टू एडजस्टेंट रो और कॉलम, या रो दो या फिर दो कॉलम्स आर इंटरचेंज, जे इन्हों इंटरचेंज कर दिए, इन्हों की कर दिए जी इंटरचेंज कर दिए, जे आप इन्हों इंटरचेंज कर दें हाँ, दैन जरा डिटरमिनेंट का साइन है वह हो जाएगा चेंज हो जाएगा, दैन साइन ऑफ डिटरमिनेंट इज चेंज, दैन साइन ऑफ डिटरमिनेंट इज चेंज्ड, और कुछ नहीं चेंज होएगा, ओनली साइन चेंज होएगा, ठीक है जी, ओनली एंड ओनली साइन चेंज होगा। ये प्रॉपर्टीज तुसी याद रखनी है, एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है जी। स्विचिंग प्रॉपर्टी अगर मैं एग्जाम्पल समझा भी दी हाँ, तुम प्रूफ करके दिखा दें, आप प्रूफ कर लें स्विचिंग प्रॉपर्टी का। अपने को एक आप डिटरमिनेंट लिया 1 2 3 4 0 5 6 2 0, ठीक है। हुण पहला इसका डिटरमिनेंट कढ़ो कितना आएगा, कमेंट सैक्शन से कमेंट करो जल्दी जल्दी, इसका डिटरमिनेंट कढ़ के कितना आएगा। मैं इस दी दो पहली दो रोज़ नू इंटरचेंज कर दिया, पहली दोनों रोज़ नू इंटरचेंज कर दिया, तो मैं उसका डिटरमिनेंट कर दिया 6 2 इतने 0 है, हाँ जी। तुसी उपर वाले का डिटरमिनेंट कढ़ो, मैं इसका डिटरमिनेंट देख दी कितना आएगा, आता आ गया जी -74, आता -74 आ गया। हम इसका चेक कर दिया कितना आएगा, आ गया जी -10 -30 -10 -60 +24, गड़बड़ हो गई कितने, वन फोर सिक्स, इन्हों दोनों ने इंटरचेंज किया, सेम एलीमेंट लिया, हाँ जी। तो देखो पहले यहाँ किया 0 -10, बिल्कुल सही है, 2 × 0 - 30 सही है जी, अच्छा प्लस हो जाएगा, ओके हाँ जी। तो आ देखो आ कि आ गया जी प्लस का 74 आ गया, आ कि आ गया जी -74 आ गया, दोनों के अंदर की है सिर्फ तो सिर्फ साइन चेंज हुआ है, दोनों के अंदर की हुआ जी साइन चेंज हुआ। तो याद रखियो किसी भी मैट्रिक्स की जो आप दो रो या कोलम इंटरचेंज करने हैं, किसी भी मैट्रिक्स की दो रोज़ या कोलम जो इंटरचेंज की जाती है तो वह की होंगे जी, तो वह अपने को बनता है उस मैट्रिक्स का सिर्फ तो सिर्फ साइन चेंज आता है, और कोई चेंज नहीं होंगे, सिर्फ तो सिर्फ साइन चेंज होंगे, ठीक है जी, ओनली एंड ओनली साइन चेंज होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं डिटरमिनेंट देन, स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी। देखो स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी की कहती है अपन, स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी, हाँ जी स्केलर मल्टीपल कहता कि इफ ईच एलीमेंट या ईच एलीमेंट ऑफ रो ऑफ डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय स्केलर, कहता जे किसी एक रो दे किसी भी रो दे, इफ ईच एलीमेंट ऑफ ए रो या फिर कोलम, ईच एलीमेंट ऑफ ए रो, हम ए लिख रही है मैं ध्यान रखियो, ऑफ ए रो और कोलम या फिर कोलम का एक रो ज एक कोलम का एक रो ज एक कोलम के एलीमेंट न एक रोज़ा एक कॉलम के एलीमेंट नू मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर नाल, इज मल्टीप्लाइड बाय स्केलर, किसी भी स्केलर राही इसनों मल्टीप्लाई करते हाँ, तो की होंगे जी ए जी डिटरमिनेंट, दैन इट्स डिटरमिनेंट इज इस डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय दैट स्केलर। हुण इस तो पेपर के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, हुण किवें आएगा तुसीं कहोगे मैं माता कोई सिंपल जी गल है, इस दे अंदर की क्वेश्चन बन सकता है, हुण देखो किवें बनेगा। पहला क्वेश्चन समझ लो की कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल डिटरमिनेंट है किसी का, किसी भी आ मान लो ए बी सी सी डी ई एफ जी एच आई, आ अपने को मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट मन लेने अपने को ए बी सी, ठीक है मन के चलते हैं, इसका डिटरमिनेंट ए बी सी है, तो जे अपने को इस जगह आ दे दे इस जगह दे दे के ए के बी के सी डी ई एफ जी एच आई आ चीज़ दे दे, तो इसका डिटरमिनेंट पूछ लिया, तो इसका डिटरमिनेंट की होगा जी के ए बी सी होएगा, की होएगा जी के टाइम ए बी सी होएगा, केड़ा होएगा इसका डिटरमिनेंट के टाइम ए बी सी होएगा, के टाइम ए बी सी। तो उम्मीद करें तो ना समझ आ गई होगी जी स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी की कह रही है,
स्केलर मल्टीपल प्रॉपर्टी की कह रही है कि जो भी किसी आप मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी रूल स्केलर मल्टीप्लाई किया जाता है तो वह की है जी डिटरमिनेंट स्केलर मल्टीप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट कुछ रिजल्ट्स ने फिर बाकी प्रॉपर्टीज करांगे एक दो क्वेश्चन भी आप डिस्कस करांगे ठीक है जी। हाँ जी एक कुछ रूल्स ने जो तुम याद रखने हैं। सब तो पहला गल याद रखनी है कि अपने कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि है जी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ठीक है जी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की अपने को दो प्रॉपर्टीज होंगे ने। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है उसके डिटरमिनेंट की अपने को दो प्रॉपर्टीज होंगे ने कि है क्या ने देखो जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो उसका ऑर्डर ओड है जे ओड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अपने को है ठीक है जी। ओड ऑर्डर का ओड ऑर्डर मतलब 3x3 हो गया 5x5 हो गया 7x7 इस तरह के ऑर्डर का अपने को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना तो उस ऑर्डर का उसका डिटरमिनेंट हमेशा की होगा जी जीरो होगा। उस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट की होगा जी जीरो होगा। डिटरमिनेंट की होगा जीरो होगा। देखो आप लेके देख लेने अपन पता है डायगनल एलीमेंट जीरो होंगे -3, 5, 4, 3, -5 ते 4 आई बनेगा ये तो डिटरमिनेंट देखो किन्ना आएगा पहला तो जीरो हो गया दूजा देखा -3 × आ गया जीरो माइनस प्लस हो गया 20 +5 × 12 आ किन्ना बन गया जी -60 + 60 जीरो है ना। तो याद रखियो पेपर के अंदर तुम्हें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाई दे जाए कि दिखाई दे जाए जी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाई दे जाए अते उसका ऑर्डर इवन हो ओड हो उसका ऑर्डर की हो जी ओड हो उसका डिटरमिनेंट हमेशा की होगा जीरो होगा। उसका डिटरमिनेंट की होगा जी हमेशा अपने को जीरो ही होगा। दूजी गल जे ईवन ऑर्डर है जे ईवन ऑर्डर है जिमें कि 2x2 का है 4x4 का 4x4 तक का पूछते मान लो 2x2 का जे ईवन ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना फिर उसका डिटरमिनेंट हमेशा एक परफेक्ट स्केयर होएगा। क्यों होएगा जी परफेक्ट स्केयर होएगा उसका डिटरमिनेंट परफेक्ट स्केयर। स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर आ चीज़ा होनगी कदों होनगियाँ जी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आ सब कुछ होएगा ठीक है जी। जे अपने को मैट्रिक्स की है स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका जोड़ा है जे वह ऑर्डर ईवन है तो उसका डिटरमिनेंट एक परफेक्ट स्केयर होगा। जे ओड ऑर्डर दिता है तो सीधा ही कह देना जी इसका डिटरमिनेंट अपने को जीरो आएगा। क्या आएगा जी जीरो। हुण देखो जी इस तो बाद जे तुहाडे कोल कोई भी ट्रेंगुलर मैट्रिक्स है ट्रेंगुलर कोई भी ट्रेंगुलर मैट्रिक्स है ट्रेंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट करना है ट्रेंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट करना है पेपर के अंदर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स दिता होगा तो तुम्हें कहेंगे इसका डिटरमिनेंट पता करो। तो याद रखियो जो भी अपने को ट्रेंगुलर मैट्रिक्स आ गया कोई भी ट्रेंगुलर मैट्रिक्स आ गया तो उसका डिटरमिनेंट पूछे तो उसका डिटरमिनेंट क्यों है जी प्रोडक्ट ऑफ डायगनल एलीमेंट्स। ट्रेंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्यों है जी प्रोडक्ट ऑफ डायगनल एलीमेंट जेडे उस डायगनल एलीमेंट है प्रोडक्ट ऑफ डायगनल एलीमेंट होंगे उसके डायगनल एलीमेंट्स दियाँ दाकि प्रोडक्ट होंगे है प्रोडक्ट ऑफ डायगनल एलीमेंट। हम देखो एग्जाम्पल ले लेने अपने को एक मैट्रिक्स है इस तरह 0, P, R ठीक है जी फिर 0, P, Q नहीं 0, 0, Q लिख लेने चलो ट्रैंगुलर बनाना सी मैं कुछ और ही बनाने लगी। हाँ जी अपने कोई मान लेने मैट्रिक्स है P, Q, R 0, P - Q ठीक है Q - R ते 0, 0, P - R इस तरह का कोई मैट्रिक्स देता पेपर से कहता इसका डिटरमिनेंट पता करो। हूँ तुम इन सोल्व करके लग जाओगे पहला पी लिखिया फिर ब्रैकेट के अंदर +Q फिर -Q + R इस तरह करोगे टाइम वेस्ट होगा। तुम पेपर के अंदर देखिए क्या तो जी ट्रेंगुलर मैट्रिक्स बन रहा आ मेरे को एक ट्रेंगुलर मैट्रिक्स बन रहा ट्रेंगुलर मैट्रिक्स बन रहा तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ डायगनल एलीमेंट सीधा सीधा आंसर आ जाएगा जी P, P - Q ते P - R सीधा सीधा आंसर आ गया P, P - Q ते P -
आर। इस डी डिटरमिनेंट आपने कोड किया गया जी पी पी माइनस क्यू ते पी माइनस आर। हम देखो एक एग्जाम्पल दिनी है तुम्हें, पेपर चल सीधा नहीं दिता गया, हम पेपर तुम क्वेश्चन देनी शायद हूँ तो तुम कर दो क्योंकि मैं हमने एग्जाम्पल देखे हटी हाँ। देखो तुम एक मैट्रिक्स देता जीरो क्यू आर पी ए माइनस बी, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पता करके दो मैं जल्दी तो जल्दी, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पता करो जीरो जीरो सी माइनस बी। हूँ इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना आएगा, हूँ तुम कहोगे मैडम इस कि प्रोपर्टी लाइए कि एदा तो सानू डिटरमिनेंट कढ़ना ही पेगा, एदा डिटरमिनेंट कढ़ना ही पेगा, तुम आ कहोगे ठीक है। पर मैं देखो आ मेरे को एक ट्रेंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है, आ मेरे को एक ट्रेंगुलर मैट्रिक्स बनया, आप हमने पढ़ के आए थे कि जो आप रोज़ में इंटरचेंज करते हैं कोलम दो कोलम या दो एडजस्टेंट रो या दो एडजस्टेंट कोलम इंटरचेंज करते हाँ, जे इंटरचेंज करते हाँ तो उसकी वैल्यू तो कोई फर्क नहीं पैंता, सिर्फ साइन चेंज होंगे। आ चीज़ मैं हमने तुम्हें दसी सी ना, तो आप की किया पहली दो रोज़ में चेंज करता, पहली दो रोज़ में चेंज करते ही बन जाएगा अपने को बन जाएगा जी ट्रेंगुलर मैट्रिक्स बन गया ट्रेंगुलर। हुण इस तरह पेपर च क्वेश्चन आ सकता है, फिर तुम इसमें सोल्व कर लग जाओगे उत्थे कि जीरो च लिखता फिर क्यू इंटू लाइए जी फार्मूले ला ला के पी सी माइनस पी बी, फिर इतने बनेगा आर नाल ए माइनस बी, फिर उन्होंने सोल्व करांगे और क्वेश्चन करांगे, टाइम जाएगा वेस्ट। हुण मैं की देखा मेरे को बन रहा जी ट्रेंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है, कि बन रहा जी ट्रेंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है, तो डिटरमिनेंट की होगा जी पी क्यू इंटू सी माइनस बी, पी क्यू इंटू सी माइनस बी। नहीं मनते तो जनरल मैथड नाल करके देख लो, जनरल मैथड नाल करके दिखा देनी, आ तो जीरो बनेगा, आ बनेगा जी क्यू इंटू पी इंटू सी माइनस बी, माइनस अपने को बनेगा जीरो माइनस द क्यू, प्लस आर इंटू की बनेगा जी जीरो माइनस जीरो, आ की आ गया जी पी क्यू इंटू सी माइनस बी, की आ गया जी पी क्यू इंटू सी माइनस बी। तो अगे आप माइनस लाई देवे, सॉरी इतने रो इंटरचेंज की ना, इतने अगर माइनस लाना सी, अगे आप माइनस लाता अपने को बन गया माइनस टाइम पी क्यू इंटू सी माइनस बी, ठीक है जी। तो इस तरह नाल आपां याद रखना है कि भावें अपर ट्रेंगुलर आ जाए भावें लोअर ट्रेंगुलर मैट्रिक्स आ जाए तो आपां नूं उसदा डिटरमिनेंट पूछा हुए तो आप सीधा सीधा डायगनल नूं मल्टीप्लाई कर देना, की कर देना जी जिहड़े अपने कोल डायगनल एंट्रीज़ ने डायगनल एंट्रीज़ नूं मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। हुण जिहड़ा आपां इत्थे रूल कीता सी स्केलर मल्टीप्लाई वाला, इस नाल रिलेटिड किवें क्वेश्चन आंदा है पेपर च, स्केलर मल्टीप्लाई नाल रिलेटिड क्वेश्चन तुसीं किवें सोल्व करोगे। देखो इस तरह का क्वेश्चन सोल्व करने लिए तुहानूं एक चीज़ याद रखनी होगी, तुहानूं कुछ मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट है उन्होंने याद करना पेगा, वो जे तुम याद कर ले तो डिटरमिनेंट का कोई भी क्वेश्चन पेपर से तुहाडा छूट नहीं सकता, ठीक है। पहला है जी अपने को वन 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 एक्स वाई जेड, एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर, ठीक है जी। इस का डिटरमिनेंट तुम याद रखना है कि होंगे जी एक्स माइनस वाई वाई माइनस जैड तो जैड माइनस एक्स हों, आ चीज़ तुम्हें याद रखनी हूँ, आ चीज़ थोड़े तो याद होनी चाहिए है। सीधी जी गल है कि इसका डिटरमिनेंट साढ़े को होंगे जी एक्स माइनस वाई वाई माइनस जैड तो जैड माइनस एक्स हों, ठीक है जी। इसका डिटरमिनेंट की होंगे एक्स माइनस वाई वाई माइनस जैड तो जैड माइनस एक्स हों। हूँ इसे दे अंदर तो कह दे एक्स एक्स स्केयर एक्स क्यू, या फिर आप ले लें एक आप कोई स्केलर मल्टीप्लाई करता, मैं इतने टू न मल्टीप्लाई टू टू वाई स्केयर, वन जैड जैड स्केयर, एक्स एक्स स्केयर। हम पेपर के अंदर इस डिटरमिनेंट पूछ लेने तुम कहोगे मैं सूँ कढ़ना पेगा, बिल्कुल नहीं, तुम्हें आ याद है इस डिटरमिनेंट की होंगे चंगी तरह याद है कि होंगे एक्स माइनस वाई वाई माइनस जैड जैड माइनस एक्स होंगे, आई होंगे ओके जी बिल्कुल सही है जी आई होंगे। तो हूँ आप देखा कि यह सेम चीज़ हैगी है, पहला तो सेम डिटरमिनेंट आ गया एक्स माइनस वाई वाई माइनस जैड एंड जैड माइनस एक्स, तो मल्टीप्लाई कि जी टू नाल किया तो बार के लगे टू, तो आपने को आंसर आ गया जी सीधा सीधा आंसर आ गया। देख दे कोई सोल्व करने की लड़ नहीं, तुम्हें सिर्फ एक डिटरमिनेंट याद रखने की जरूरत है तो उसको सोल्व करके अपना आंसर आ गया, ठीक है जी। उम्मीद करते हैं तुम्हें समझ आ गए होंगे, अज का सैशन आप इन्ना ही करा, कल फिर तो होर डिटरमिनेंट के क्वेश्चन करा जिसे कि इसे प्रोपर्टी से बेस हो या फिर कुछ शॉर्टकट्स नाल बेस हो, कल डिटरमिनेंट के आप क्वेश्चन करा काफ़ी सारे नैक्सट सैक्शन के अंदर। अज के लिए इन्ना ही, थैंक्स।
एंड हैव ए नाइस डे। प्लीज़ वीडियो नू लाइक शेयर ते चैनल नू सबसक्राइब जरूर करके जाओ ते आपदे फ्रेंड्स जिन्हें भी ने चाहिए SST वाले ने चाहिए मैथ वाले ने उन्होंने भी जरा तुसी इनफॉर्म करो कि जी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बेस थोड़े लिए जरा इतने ऑर्गेनाइज किया गया है। जिन्हें स्टूडेंट्स ने अजे तक वट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर जाके जरा जी वट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि उत्थे थोड़े लिए जो क्वेश्चन के पोल तो टेस्ट जो उत्थे ही भेजे जाएंगे। देखो जो अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ना तो आप 100 नंबर का मोक टेस्ट रखा, ठीक है। पहला तो मोक टेस्ट जरा जी ग्रुप से पा दिता जाएगा तो नैक्सट दे जरा जी उस टेस्ट से थोड़ी मैराथन क्लास जरा आप लवेंगे, ठीक है जी। नैक्सट दे उस टेस्ट से की है जी मैराथन क्लास भी थोड़ी ले जाएगी। इस दे लिए एना ही बेस्ट विशेज फॉर योर फ्यूचर।